शुरुआत प्रेम की ही बातों से करना चाहूंगी कि नेह जब पावस की तरह प्राणों पे झरता है तो वहां से जो संगीत झंकृत होता है, जो नाद झंकृत होता है, प्रेम की जो अलौकिक अनुभूतियां हैं, वो जिन रसों का आस्वादन कराती हैं हृदय को, वहां से कुछ पंक्तियां और वहां से कुछ गीत निकलते हैं। तो दो तीन पुस्तक पढ़ूंगी। नारी सशक्तिकरण के में बहुत सारा काम किया है, एक दो पुस्तक उसका भी पढ़ूंगी और फिर गीत पढ़ूंगी। पढ़ती हूँ एक प्रेम का मुक्तक। हर एक जवाब में वही है, हर सवाल में, हर सवाल में उसका ही नाम आता है, उसकी मिसाल में, उसकी मिसाल में यादों को उसकी मन में छुपा रखा है ऐसे, यादों को उसकी मन में छुपा रखा है ऐसे, जैसे कोई ताबीज बंधी हो रुमाल हाँ हाँ में, हाँ 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 बंधी हो रुमाल में, जैसे कोई ताबीज बंधी हो रुमाल में, बंधी हो रुमाल में। और इसी तरीके का एक और मुक्तक जो मैंने स्त्री सशक्तिकरण का जो नाम लिया तो उसपे मैंने लिखा है, तो वो भी इसी समय सुना देती हूँ कि ये वो ही जानता है कि जिस पर है जो बीता, जिस पर है जो बीता, कुरान हो या बाइबल हो या के हो गीता, या के हो गीता, ये बात सारे ग्रंथ सुने ध्यान से सुने, ये बात सारे ग्रंथ सुने ध्यान से सुने, अब अग्नि परीक्षा नहीं देगी कोई होता क्या बात है, सीता, क्या बात है। ना देगी कोई सीता, अब अग्नि परीक्षा नहीं देगी कोई सीता, ना देगी कोई सीता।